Excellent. Okay, so now for example we have to model this camel. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि आई विल ट्राई कि इसको लो पॉली बेसिक जल्दी बन जाए ताकि आधे घंटे में हमारे पास कैमल बन जाए. ऑब्वियसली हम जितनी डिटेल्स जानना चाहें एक एक बारीकी से तो फिर और ज़्यादा खाल और कर्व्स और मसल्स, तो फिलहाल क्योंकि हमें कैमल एक बेसिक सेंस में यूज़ करना है तो उसका मॉडल ज़रा हम जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे. तो थोड़ा सा क्विक मॉडलिंग का ये होगा और लो पॉली इन अदर वर्ड्स वी ट्राई टू मॉडल दिस. मेरे पास मैंने रेफरेंस इमेज जिसमें माया में सेट कर दी कैमल की, लेयर सेलेक्ट की, न्यू लेयर विथ ब्लू डॉट पे क्लिक किया तो ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा. डबल क्लिक ऑन दिस, इसको हमने नाम दे दिया सी एम एल कैमल एल वाई रेफरेंस आर ई एफ रेफ अंडरस्कोर एल वाई आर. ठीक है, ताकि मुझे याद रहे कि यार ये रेफरेंस लेयर बन गई, इसका हमने सेव करा दिया. फिर इसको आप भले अगर चाहें तो आर पे क्लिक कर दो ताकि अब ये एक्सीडेंटली सेलेक्ट ना हो सकें. ठीक है, नाउ वी स्टार्ट मॉडलिंग दिस पर्टिकुलर कैमल. अब पहली चीज़ तो उसमें अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि इसमें फोर लेग्स हैं, हम कोई एक लेग मॉडल करेंगे और फिर ऑब्वियसली डुप्लीकेट हो जाएगा, तो बैक लेग इसको नहीं, जस्ट वरी अबाउट द फ्रंट लेग. दूसरा, जैसे प्रीवियसली कैरेक्टर के अंदर भी हमने देखा था कि कैरेक्टर मॉडलिंग के अंदर जब मॉडल करते हैं तो उसके दो तीन तरीके हैं. एक तो हम ऑब्जेक्ट्स को अलग बना के रख सकते हैं या साथ में भी. तो मैं फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूँ बॉक्स के साथ, तो या सॉरी एक बॉक्स से स्टार्ट किया W, इसको ऊपर ले आए एंड देन राइट क्लिक फ्रंट व्यू. सो वी स्टार्ट विद दिस बॉक्स. ठीक है, पॉलीगॉन क्यूब, बॉक्स की विड्थ हमने थोड़ी बढ़ा दी, इसकी हमने हाइट बढ़ा दी, इसकी हमने डेप्थ को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया. ऑब्वियसली इस पर फिर बाद में हम बात करेंगे. फॉर नाउ अब इसमें चीज़ है कि सेगमेंट्स, तो विड्थ के अंदर हमने दे दिए कोई 6, 7, 8, 10 सेगमेंट्स. अगेन यू कैन अल्टर दैट. हाइट के हिसाब से भी तकरीबन 6 सेगमेंट दे देते हैं. अगेन बहुत ज़्यादा नहीं, हम बाद में ऐड करते जाएंगे. बेसिक शेप के लिए मुझे जितने चाहिए मैं वो ऐड करूँगा. तो आई कैन से कि भाई मुझे फिलहाल मिनिमम जिस चीज़ चाहिए वो उसमें होगी. इसको फॉर एग्जाम्पल इवन आप कम कर सकते हो 8, 9, 10 तक. और फिलहाल मेरे हिसाब से 10 शुड बी फाइन. और फिर डेप्थ के अंदर फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई गो पर्सपेक्टिव, मैं कहूँगा कि यार इस ऑब्जेक्ट की डेप्थ के अंदर भी जो है वो मुझे 2, 3, 4, 5, 6 इतने सेगमेंट्स डेप्थ में रखना ताकि मैं आधा इसको काट सकूँ और फिर आधा इसको बाद में बना सकूँ. तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 5 कर दिया तो अब हाफ को कट करना आधा हो जाएगा, क्योंकि 3 इस तरफ 3 इस तरफ, तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इतने सेगमेंट्स दे दिए कि यार मैं इसको फिलहाल बेसिक शेप आ जाए फिर बाद में कट कर सकें. तो 6 का मतलब ये कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. सेगमेंट्स 5 होंगे तो इसको आधे से हम कट कर सकते हैं. ठीक है, ये चीज़ करने के बाद वापस आ जाते हैं फ्रंट व्यू के अंदर. राइट क्लिक किया, वर्टेक्स में गए. नाउ बेसिकली यू डू हैव टू डू द सेम थिंग, इन वर्टेक्स सेलेक्ट किया W. अच्छा, अब एक चीज़ ये कि कलर में चेंज हो गया. दिस कलर इंडिकेट्स के भाई इसमें सॉफ्ट सेलेक्शन हमने ऑन की हुई है. तो मूव टूल पर डबल क्लिक करो, उसके ऑप्शंस में गए, सॉफ्ट सिलेक्शन में गए, मेक श्योर यू टर्न इट ऑफ. वैसे सॉफ्ट सिलेक्शन ठीक है बट इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम कि आप कब एक वर्टेक्स को मूव करोगे तो पूरा ऑब्जेक्ट सेफ मूव हो रहा होगा, तो वो फिलहाल अभी हमें नहीं चाहिए. तो सॉफ्ट सिलेक्शन को डिसलेक्ट किया, इसको बंद किया, राइट क्लिक करके वर्टेक्स. नाउ जस्ट ट्राई टू मैच द वर्टेक्स विद द पर्टिकुलर शेप. ठीक, और इसको फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी नीचे रख दिया, इसको थोड़ा सा इधर दरम दरम दरम, इसको वापस उठा के इधर तक लिया है. ये हम पीछे आ जाएगा, फिर ये हम आगे चला गया, ये पीछे तक, इसको उठा के इधर तक. फिलहाल टांगे जो है वो इधर, आई गेस ये भी इधर, एंड दिस वन विल बी समवेयर अराउंड हियर. तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से इसको भी ऊपर करो, इस वर्टेक्स को भी ऊपर कर दिया ताकि ताकि इसको भी मैं उठा के ऊपर ले जाऊँगा. अच्छा, अब यहाँ पर वही प्रॉब्लम आ रही है कि अगर आप इसको नहीं करो, फॉर एग्जांपल वायर वायर फ्रेम वायर फ्रेम वायर फ्रेम किधर गया ऑब्जेक्ट का, नहीं वो शेडिंग एक्सरे ऑन किधर गया. अच्छा, वो ये रहा एक्सरे, या अल्लाह. ठीक है, इन्होंने आइकॉन चेंज कर दिया, पहले डिफरेंट था. अगर 2016 में जो इसका आइकॉन है वो ये वाला है. ठीक है, तो एक्सरे से क्या होगा कि मुझे बैकग्राउंड नज़र आ रहा है. अब इसको थोड़ा सा मैं पीछे करने से पहले आई विल हैव टू मेक श्योर कि एक तो आप पूरा एरो से इसको सेलेक्ट करो, उसको थोड़ा ऊपर और इसको थोड़ा यहाँ पे, एंड देन
ये चीज़ यहाँ पे, क्योंकि ये पेड़ जो अभी तक ऊपर जा रहा है और फिर यहाँ से टांग हमारे पास उठ रही है, ठीक है। उस हिसाब से इसको भी मैंने ऊपर एडजस्ट कर दिया, मे बी दिस वन एज वेल, उस हिसाब से इसको भी ऊपर, ये टांग यहाँ पर आके अलग से हमारी एडजस्ट होगी। आई थिंक थोड़ा सा और ऊपर अगर हम करें ताकि फिर इसको और ऊपर नजर आ सके, ठीक। एंड देन फिर ये बेली जो है नीचे तक यहाँ पर और यहाँ तक, इसको यहाँ तक और ये चीज़ यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, वेरी क्विकली वेरी स्मूथली इसको इधर रखा, इसको भी फिलहाल के लिए इधर, इसको भी इधर, इसको यहाँ तक लग कर रख देता है, ये चीज़ यहाँ तक, ठीक है। इसको नीचे और फिर गर्दन के पॉइंट को, ये पॉइंट ऊपर। सिमिलरली इस वर्टेक्स को भी इधर ट्रेस किया, इस वर्टेक्स को इधर ट्रेस किया, इस वर्टेक्स को हमने यहाँ पे ट्रेस कर, ठीक। आई गेस ये वर्टेक्स थोड़ी सी नीचे ले आते हैं ताकि एडजस्ट साइड शेप बन गया, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ से हम एक्सक्लूड करके गर्दन निकालेंगे, उससे पहले ये जो सेंटर के फेसेस हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं, तो वी हैव टू एडजस्ट दीज एज वेल। तो फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को सेलेक्ट किया W से नीचे, इन दोनों को सेलेक्ट किया W से नीचे, इन दोनों को सेलेक्ट किया थोड़ा सा नीचे और ये वर्टेक्स और नीचे, ताकि ये इस शेप में आ जाए, सारे के सारे वर्टेक्स आपके एक जैसे ना लगें, बिल्कुल स्ट्रेट ना हो। इनको नीचे नीचे कर दिया थोड़ा सा, रिमेनिंग दीज टू वर्टेक्स इनको हमने थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दिया, ठीक। एंड देन दीज टू वर्टेक्स इनको भी ऊपर की तरफ, इसको भी सेलेक्ट किया यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करके इधर, इसको सेलेक्ट करके इधर एडजस्टमेंट, ठीक है। ये अगेन सेंटर का रह गया, इसको भी थोड़ा सा ऊपर, इसको थोड़ा सा और ऊपर, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो व्हाट दिस विल डू इज इट विल क्रिएट बेसिकली एक थोड़ा सा सिमेट्रिकली हमारे पास चीज़ नेचुरल लगेगी, बजाय कि सीधे सीधे सेगमेंट्स में हमेशा थोड़ा सा ऑकवर्ड से हमें लगने लग जाता है, ठीक है। ये शेप ऐसा हमारे पास बेसिक बनकर आ गया। ऑब्वियसली इसको थोड़ा मिलाओ और मेरे हिसाब से ये भी इधर आ जाए, ये इधर, इसको उठा के इधर ले आए, शेप इधर, ठीक। मैंने कहा यार परफेक्ट पर्सपेक्टिव, साइड से तो सही बन गया तकरीबन, इस बीच में से बिल्कुल स्क्वायर बन गया। तो अभी इसके ऊपर बाद में वरी करते हैं कि हाउ वी कैन एडजस्ट दिस शेप, ठीक है। फिलहाल इसको यहीं पे रखा, उसके बाद आ जाते हैं टांगों के ऊपर, ठीक। अब एक ऑप्शन तो ये कि टांगों को यहाँ से मैं एक्सट्रूड करूँ, जो हमने पहले किया था कैरेक्टर के अंदर। इस पर्टिकुलर केस में व्हाट आई विल डू कि मैं अलग से मॉडल करता हूँ। अलग से कैसे, कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यार व्हाट आई कैन डू इज व्हाट आई कैन डू इज इंस्टेड ऑफ मॉडलिंग दिस ऑब्जेक्ट, अरे यार ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है, इंस्टेड ऑफ इसको मैं इसी से एक्सट्रूड करूँ, मैं फ्रंट में आ गया, मैं इंस्टेड ऑफ पॉलीगॉन भी नहीं यूज़ कर रहा, मैं आ जाता हूँ क्रिएट नर्व्स प्रिमिटिव और मैं इसका सिलेंडर उठाता हूँ, इसका एक सिलेंडर आ गया नर्व्स का, पॉलीगॉन का सिलेंडर नहीं बनाया, फिर इसको उठा के सिलेंडर एंड स्टार्ट एंड डिग्री सेक्शन, और इसको हम स्केल कर देते हैं यहाँ तक, रेडियस कंट्रोल दबा के थोड़ा सा मैंने कम किया, स्केल से इसकी हाइट बढ़ा दी, सेक्शंस थोड़ा सा बढ़ा, 8 है आई थिंक, 8 काफ़ी रहते हैं डिफॉल्ट में फिलहाल, तरह 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 स्पेंस, ठीक है। अब इसमें देखो तो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें, एक रेडियस बल्कि एक तरफ, पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो कि मैं कर क्या रहा हूँ। क्रिएट नर्व्स प्रिमिटिव, नर्व प्रिमिटिव फॉर एग्जाम्पल मैं इसका स्फीयर बना रहा हूँ, ये स्फीयर बनकर आ गया, लेट मी टर्न ऑफ द एक्सरे, और मैं पॉलीगॉन का स्फीयर बना रहा हूँ, दो स्फीयर आ गए हमारे पास, ठीक है। इन दोनों स्फीयर्स में इशू ये होगा कि दोनों स्फीयर्स बाहर, दोनों स्फीयर्स हैं, अगर आप वायर फ्रेम और टेक्सचर हटा भी दो तो आपको शुड लुक लाइक अ गुड इनफ स्फीयर्स, कहाँ गया यार वायर फ्रेम और टेक्सचर, ठीक है, दोनों फजीलिटीज के स्फीयर्स हैं। फ़र्क ये है कि ये नर्व्स का है, ये पॉलीगॉन का है, ठीक। इसके ऊपर जब मैं राइट क्लिक करके जाएंगे तो हमारे पास कंट्रोल वर्टेक्स करके आएगा, इसके ऊपर जब जाएंगे तो सीधी सीधी वर्टेक्स आएगी। इस एक वर्टेक्स को जब आप पकड़ के मूव करोगे तो ये शार्प मूव करेगा, पॉलीगॉन है, फेसेस टू फेसेस मैच करने की करता है। उसके बरक्स अगर आप इसको राइट क्लिक करोगे इसमें आता है समथिंग कॉल्ड कंट्रोल वर्टेक्स, इसके वर्टेक्स जो है पर वो सरफेस के ऊपर नहीं है, इसीलिए इसको हम कंट्रोल कहते हैं। और फिर जब इसको आप एडिट करोगे तो ये नेचुरली बड़ा सॉफ्ट स्मूथ सा शेप बना कर आ जाएगा, ठीक है।
सिर्फ इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये नर्व्स की है, टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्री है जिसको बड़ा स्मूथ सरफेस में हम कैलकुलेट कर रहे हो। ये ऑलरेडी आपको बड़ा स्मूथ रिजल्ट दे रही है, इसको मैं स्मूथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट इसको एडिट करना ज़रा सा मुश्किल काम होता है। पहला मुश्किल ये है कि इसकी जो वर्टेक्स है वो उसके ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर नहीं है, कंट्रोल है, मतलब वर्टेक्स से बाहर है और वो ज्योमेट्री उसके हिसाब से स्मूथ होकर ऑटोमेटिकली आ रही है। पॉलीगॉन में ऐसा नहीं है, पॉलीगॉन पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट की वर्टेक्स होगी शेप भी वहीं पर होगी, इसीलिए ये बड़ा शार्प हो जाता है, ठीक है, कि उसको वो चीज़ मैच करनी है। दूसरा, पॉलीगॉन में हम इंडिविजुअल फेसेस को जाके कंट्रोल कर सकते हैं, इसके इंडिविजुअल फेसेस को हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। इफ आई सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट राइट क्लिक तो कंट्रोल वर्टेक्स एडिट हो सकती है। दूसरा, इसमें कोई ऐसे सरफेस फेस आई नहीं, जो चीज़ इसमें है वो कहलाती है सरफेस पैच। सरफेस पैच का मतलब ये कि ये एक टुकड़ा, पर इस टुकड़े के ऊपर भी हम एडिटिंग नहीं कर सकते डायरेक्टली, मतलब मैं W प्रेस करूंगा तो मूव नहीं कर सकता, नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ टूल्स ऐसे हैं कर्व्स के जो मैं अप्लाई कर सकता हूं इसके ऊपर, पर इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसके अलावा सरफेस पॉइंट्स, तो सरफेस के कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे जिसके तहत मैं पॉइंट्स इंसर्ट कर सकता हूँ, अगेन एडिट नहीं, तो जहाँ पर मैं क्लिक करूँगा वहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो एक डॉटेड येलो लाइन आ जाएगी, मैं भी उसका बताता हूँ मकसद क्या है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। फिर राइट क्लिक किया, आइसोपाम आ गया। आइसोपाम ये लाइंस जो है नर्व्स के अंदर, इसको हम आइसोपाम्स कहते हैं, है वही चीज़ पर इसको नाम मुख्तलिफ कर दिया, पर नाम इसीलिए मुख्तलिफ किया क्योंकि आप इसको भी एडिट नहीं कर सकते, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें से एक और चीज़ आइसोपाम निकाल दिया, एक और आइसोपाम निकाल दिया, डॉटेड लाइन आ गई, W प्रेस करेंगे कुछ भी नहीं होगा। इफ आई टर्न दिस ऑन राइट क्लिक एंड हेल्पलाइन कमांड 9, तो नीचे आपको एरर आ जाएगा, इसको मैंने मूव किया, W प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हमें एरर दे देगा कि भैया ये जो आपने फनकारी की है मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी एक चीज़ इसमें काम की है वो कहलाती है होल। होल बेसिकली जो आपकी कंट्रोल वर्टेक्स थी उसके गिर्द एक एज बना देगा, इस होल को आप एडिट कर सकते हो। तो नर्व्स की जब हम ज्योमेट्री बनाते हैं तो तर हकीकत वो एक लिहाज से इंतहाई बेकार ज्योमेट्री है इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग, बिकॉज इट ओनली अलाउज अस टू एडिट टू थिंग्स, एक तो कंट्रोल वर्टेक्स, वो भी नलायक उसकी सरफेस पे नहीं है, अब कैसे उठाया, उसको देखना पड़ता है कि यार ये कौन सी ये वर्टेक्स क्या करेगी, वो उस वर्टेक्स को उठाओगे तो पता चला वो अच्छा इसने ऊपर वो किया, नीचे वाली वर्टेक्स कहाँ गई जिसको ये पेट जता रहा है, ये वर्टेक्स वो इस ज्योमेट्री के दूसरे तरफ है, अब ये जाके उसके पेट को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो ये इसका एक डिफिकल्टी भी है पर ये इसका एडवांटेज है क्योंकि इसकी वजह से वो उसमें स्मूदिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, ये कितना स्मूथ ऑलरेडी ज़बरदस्त ज्योमेट्री आ गई और पॉलीगॉन में ये चीज़ करने के लिए सर में दर्द हो जाता है, ठीक है। दूसरा, इसमें जो चीज़ एडिट होती है वो इसी के अपोजिट होल कहलाती है, होल उस कंट्रोल वर्टेक्स के इर्द गिर्द एक एजेस बना देता है, और ये भी समझिए एक लिहाज से कंट्रोल्ड वर्टेक्स का कंट्रोल एजेस है, और उसको आप स्केल, इसको आप मूव और रोटेट वगैरह कर सकते हो जिसके तहत वो शेप को डिफॉर्म करेगा। तो एक नर्व्स के अंदर सिर्फ ये दो चीज़ें एडिट होती हैं, एक वर्टेक्स दूसरा होल, बस। पर इसका क्योंकि रिजल्ट स्मूथ आता है तो हम इसमें बड़ा अच्छा इसका यूज़ करते हैं। तो कैरेक्टर मॉडलिंग में उमूमन हम ऐसा करते हैं कि यार बजाय कि आप पॉलीगॉन से स्टार्ट करो, जैसे ये मैंने उठाया पॉलीगॉन से, अगर मैं चाहता तो इसको मैं नर्व से भी उठा सकता था, पर मैंने इसको इसीलिए उठाया ताकि मैं एक चीज़ पॉलीगॉन से बनाऊँ, दूसरी मैं नर्व से बनाऊँ, एंड देन इन दोनों को फिर मैं किस तरह से पॉली में कन्वर्ट करके अटैच करूँ, मैं सिर्फ वो दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। कि हम एक तो एक एक्सट्रूड कर सकते हैं, वो तो ऑलरेडी है, पर मैं चाह ये रहा हूँ कि ये पॉलीगॉन ये नर्व्स दो अलग अलग ज्योमेट्री, फिर दोनों को सेम करके दोनों को अटैच करके ऐसे बनाओ कि सीमलेसली अटैच हो जाए, ये प्रोसेस हम कैसे करें, सिर्फ वो देखना चाह रहा हूँ। इसको मैंने उठाया, अब इसमें सेगमेंट्स ऐड करने के लिए नर्व्स में आ गए, इसमें कहलाता है रेडियस, तो उसका रेडियस हो गया। स्वीप और एंड स्वीप क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल वापस पर्सपेक्टिव में आओ, अगर ये सिलेंडर है तो नर्व्स के अंदर क्या होता है कि एक चीज़ कहलाती है स्टार्ट और एंड स्वीप। अगर एंड स्वीप पे हम जाएं, ठीक है, और इसको मैं कह दूं 180, अरे यार अल्लाह हू अकबर, अच्छा ओके, सो लेट्स स्टार्ट वेरी क्विकली। हमने पहले यहाँ तक बनाया था, सबसे पहले विंडोज़ हमारी क्रैश हो गई थी, सो सबसे पहला स्टेप कैमल मॉडलिंग या किसी भी ऑब्जेक्ट में, इन दिस केस मैंने पॉलीगॉन उठाया था, हमने ट्रेसिंग की थी, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने, अब हम एक दो ऑप्शन ये कर सकते हैं कि यहाँ से फेसेस सेलेक्ट करके उसको एक्सट्रूड करके लेग बनाएं, जो हमने ह्यूमन बॉडी के अंदर पहले किया था। इस वक्त मैं थोड़ी सी अलग टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ कि मैंने एक सिलेंडर यूज़ किया है, और वो सिलेंडर हमने यूज़ किया है क्रिएट नर्व्स का सिलेंडर, ठीक है।
जस्ट फॉर द सेक टू टेक्निक थोड़ा समझने के लिए कि कोई और तरीके से हम कैसे काम कर सकते हैं. हम यहाँ पे पॉलीगॉन का भी सिलेंडर ले सकते हैं, हमारे ऊपर है. फॉर एग्जांपल बैक लेग में पॉलीगॉन का ले लेंगे या गर्दन में पॉलीगॉन ले लेंगे. सिलेंडर लिया तो नर्व्स का इसमें क्या होता है फ़ायदा हमारे पास कि दिस इज़ अ वेरी स्मूथ ज्योमेट्री. ठीक है, ऑटोमेटिकली हमने थोड़ा सा इस पर कल बात की थी. इसके अगर हम ऑप्शंस में आ जाएँ तो रेडियस है हमारे पास कि आपके ऑब्जेक्ट का रेडियस कितना बड़ा होना चाहिए. देन डिपेंडिंग ऑन दिस इसमें एक चीज़ है स्टार्ट स्वीप और एंड स्वीप. अगर हम एंड स्वीप को कम करें तो बेसिकली आपका सिलेंडर हाफ हो जाएगा. अब ये वजह यह है कि फॉर एग्जाम्पल इवन इफ आई कम इन टू वॉट यू कॉल क्रिएट नर्व जो मैं स्फीयर बनाता हूँ. ठीक, इसका स्फीयर आ गया. बाय डिफॉल्ट स्फीयर आपको थोड़ा सा लो रेजोल्यूशन में और इस तरह वायर फ्रेम टाइप का नजर आ रहा है बिकॉज उस पर वो लो रोज वन प्रेस किया हुआ है. इफ़ यू प्रेस टू थोड़ा रेजोल्यूशन थ्री प्रेस किया तो एक्चुअली हो जाएगा. ठीक है, हमें पता है कि स्मूदिंग का जो ऑप्शन है तीसरे व्यू पोर्ट में फ़र्क है, रेंडरिंग में ओरिजिनली आएगा. तो व्यू पोर्ट में आते हुए हमने इसको देखा वो थोड़ा सा वन प्रेस थ्री प्रेस किया ताकि नज़र प्रॉपर लिया. इफ आई गो इन विड्स ऑप्शन बॉस इसमें भी रेडियस है और इसमें भी एक चीज़ है स्टार्ट स्वीप एंड स्वीप. अगर मैं एंड स्वीप पे जाके कम करूँ यू वुड नोट कि आपका ऑब्जेक्ट एक जगह से खुलना शुरू हो जाएगा. ठीक है, यही चीज़ अगर आप क्रिएट नर्व्स और फॉर एग्जाम्पल कोन के अंदर चले जाएँ तो कोन ऑप्शन जो है उसको भी अगर मैं ऊपर उठाऊँ ये भी थोड़ा लो रह जाए थ्री प्रेस किया ताकि इसकी रेजोल्यूशन स्क्रीन पे सही है. इसमें भी एग्जैक्टली वही चीज़ है. ठीक है, इसमें भी वही हमारे पास स्टार्ट स्वीप एंड स्वीप का ऑप्शन दिया हुआ है. तो वजह यह है कि नर्व्स के तकरीबन हर ज्योमेट्री के अंदर ये मिलेगी. उसकी वजह यह है कि नर्व्स की ज्योमेट्री एक तो स्मूथ है, दूसरा इट्स अ सिंगल सर्फेस ज्योमेट्री. सिंगल सर्फेस से मकसद ये कि दरहकीकत ये एक ही सतह है, उसको फोल्ड करके शेप बनाया गया. ये टूटा हुआ नहीं है बीच में से, इसको आप बीच में से तोड़ नहीं सकते. पॉलीगॉन के फेसेस डिलीट कर सकते हैं, एलिट कर सकते हैं, मॉडिफाई करके अलग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं शेप को. इसमें अगर आप बोलो कि यार मैं इस शेप को सिलेंडर को आधे से काटूं तो हम नहीं काट सकते टेक्निकली. फिर उसके लिए कुछ टूल्स हैं जिसके तहत हम उनके फेसेस को और पैचेस को सेलेक्ट करके हम लोग हाइड वगैरह कर देते हैं फॉर एग्जांपल ताकि हमें नज़र ना आए. तो ये बेसिकली वन सिंगल सरफेस है. अब इसमें सबसे बड़ा इशू ये आ जाता है या क्वेश्चन आता है कि जब इसमें हम क्यूब बनाएं तो टेक्निकली क्यूब तो चकोर चार साइड्स हैं और ये स्मूथ भी नहीं होना चाहिए. इसका क्यूब जो है वो हमें कुछ तरीके से नज़र आ रहा है. ठीक, अगर आपने इसको डिसलेक्ट किया और दोबारा सेलेक्ट करने की जहमत की यू वुड नोट कि क्योंकि मैंने कहा कि नर्व्स की सरफेस दर हकीकत एक सिंगल सरफेस होती है, एक पेज होता है, उसको फोल्ड करके बनाया जाता है. हैंस ये चीज़ क्यूब में पॉसिबल नहीं है. तो जब क्यूब बनाएंगे आप नर्व्स का बना सकते हैं पर दर हकीकत उसने वो चार पन्ने अलग अलग एक साइड पर रखे हैं. ठीक है, तो दर हकीकत नर्व्स का हम क्यूब नहीं बना सकते. हाँ, उसकी शेप बन जाता है, फिर उस शेप को आप मॉडिफाई अल्टर वगैरह कर सकते हो एक ही शेप को, बट वो क्यूब नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो एक कंटिन्यूस सरफेस कहलाती है. तो जब हमने शुरू में सेलेक्ट किया था उसको ऑलरेडी इसने छः साइड्स बना के ग्रुप करके मैं ले लिया था. तो नर्व्स की ज्योमेट्री का थोड़ा सा ये चीज़ ख्याल रखनी पड़ जाती है. एडवांटेज इसका ये मिलता है कि ऑब्वियसली ज्योमेट्री इटसेल्फ इज क्वाइट स्मूथ. तो बड़ी स्मूथ क्या हो रहा है इसमें, एक वर्टेक्स की जगह पर पूरी सर्टेक्ट हो रही है. क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने अबकी बार? ये देख या अल्लाह, दोनों किया डिलीट, उसको सेलेक्ट किया राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स, एक को सेलेक्ट किया. अच्छा सॉरी वो सर. ठीक, अब अगेन वही मूव टूल में डबल क्लिक करो तो टूल बॉक्स आ जाएगा. सॉफ्ट सिलेक्शन में गए तो दरहकीकत सॉफ्ट सिलेक्शन टर्न हमने सॉफ्ट सिलेक्शन की वजह से ये हो रहा था कि आप एक वर्टेक्स सेलेक्ट करें तो मुझे लग रहा था कि सारी सेलेक्ट हो रही है. बहरहाल, तो नर्व्स के अंदर सिर्फ हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि यार आपकी ज्योमेट्री जो है वो दरहकीकत एक कम्प्लीट सर्किल है. ठीक है, हमने कहा सही है. तो इस सर्किल की जो लाइन है उसको उमूमन हमने साइड में रखा या कहीं रखा, डब्ल्यू प्रेस किया, यहाँ पे ले आया, राइट क्लिक किया फ्रंट व्यू, राइट क्लिक किया फ्रंट व्यू में आ गया, सिलेंडर आ गया. इसमें आके मैंने सस्पेंस दे दिए कि कितने सेगमेंट्स होने चाहिए. अगेन गोइंग टू विंडो और मैंने एक्सरे ऑन कर दिया, सॉरी शेप फ्रेम ऑन शेप शेडेड. अब एक्सरे क्यों बंद हो गया भाई? या अल्लाह, देख मर्जी है इसकी माया की सी मुझे प्रॉब्लम. ठीक, सो चलें, व्हाट वी डू नाउ इज कि अब आप इसको उठा के मॉडिफाई करें. इसका फिर हमें एडवांटेज ये मिल जाता है कि अगर आप इसको जब मॉडिफाई करेंगे, सॉरी 5 6, यू वुड ऑलरेडी नोट कि इसके रिजल्ट जो आपको बड़ा स्मूथ मिलेगा. ठीक है, शेप आपका ऑलरेडी बड़े स्मूथ, लेग्स आपकी बड़ी स्मूथ के हिसाब से जा रही होंगी. ठीक है, और ये अलग से आपको ऑलरेडी
लेग आपकी ऑलरेडी बड़ी अच्छी नाइस स्मूथ उसी परफेक्ट शेप के अंदर बन रही है। ओके, इसको यहाँ पे ले आओ, इसको इधर ले आओ, यहाँ पर के एक दो सेगमेंट्स और आएंगे तो ये ठुल जो है बाद में निकालेंगे, फिलहाल इसको मैं पाँव के हिसाब से बनाना चाह रहा हूँ। बल्कि ये ऐसे नहीं बनेगा, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, ठीक है। इसको इधर ही रखो, इसको उठा के हमने इधर कर दिया, इसको उठा के हमने इधर कर दिया। सिमिलरली ये जाएगा इधर, और ये जो भाई जान है ये इधर, और इसको उठा के हमने इधर तक रखा। ये नीचे का मैं फिर बाद में एक्सट्रैक्ट करके बनाऊंगा, फिलहाल पाँव ऐसा। इसी तरह से मैं आ जाऊंगा राइट व्यू के अंदर एफ। अब असूलन तो राइट व्यू जो है वो भी इसी तरह से होना चाहिए, जिसको थोड़ा सा मैं मैन्युअली एडजस्ट कर सकता हूँ, या मैं पर्सपेक्टिव में आके, क्योंकि अब लेग का फ्रंट व्यू तो है नहीं हमारे पास, तो मैं इसको मैन्युअली आई एस आई खुद से एडजस्ट करता हूँ कि यार अगर यहाँ से बाहर निकला हुआ है तो ये भी इसकी कोनी थोड़ी सी इधर से बाहर होगी, और थोड़ी सी इधर से बाहर, और यहाँ से पाँव जो है इसका वो भी अंदर होगा, और इधर से ये पाँव भी अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये आपकी स्मूथ लेग बन गई फर्स्ट क्लास, ठीक। ऑब्जेक्ट मोड इसको किया बंद, यही चीज़ आप नर्व्स किधर भी कर सकते हैं हम, ठीक। सो राइट क्लिक किया, क्रिएट पॉलीगन नर्व्स सिलेंडर, एक सिलेंडर बना के यहाँ पे रखा, स्पेस बार माया पे क्लिक किया, नीचे एरो ड्रैग किया, क्लिक एंड ड्रैग, तो ये चीज़ आ गई। यहाँ पे आके रेडियस सिलेंडर हमने इसका स्वीप कर दिया छोटा, और चले। सो माया फिर से क्रैश हो गया, लेट मी रिकवर ना रिज्यूम, ठीक। सो अगेन फॉर दिस थिंग लेट मी रिकवर, आई गो इनटू क्रिएट नर्व्स प्रिमिटिव एंड सिलेंडर डब्ल्यू, इन सिलेंडर के वापस देखा नहीं आया से, राइट क्लिक करे फ्रंट में अच्छी है यहाँ से, एंड देन अगेन रेडियस, रेडियस क्यों किया मिनिमम, ठीक। और फिर स्केल में जाके इसकी स्केलिंग मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी, जितनी बढ़ाए मुझे काम चाहिए, और फिर स्पैंस में जाके हमने स्पैंस दे दिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर, और फिर वही प्रोसेस के राइट क्लिक किया, कंट्रोल वर्टेक्स, ठीक, और फिर पहले ऊपर के कंट्रोल वर्टेक्स, और अच्छा जैसे इसको सेलेक्ट किया सारे सेलेक्ट हो गए, अगेन इंडिकेटिंग कि सॉफ्ट सिलेक्शन समहाउ ऑन हो गई है, तो या तो टूल सेटिंग में से यहाँ पर चले जाएँ तो टूल सेटिंग आ जाएगी, या मूव जिस टूल के ऊपर आप डबल क्लिक करोगे उसकी टूल सेटिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सॉफ्ट सिलेक्शन में गए, सॉफ्ट सिलेक्शन को वापस ऑफ किया ताकि मेरे पास सिर्फ मेजर वो चीज़ रहे। लेट मी सी कि एक्सरे अभी आ गया नहीं आया, एक्सरे एक्टिव कंपोनेंट्स, आई थिंक ये रेंडर का इशू है, नहीं यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए, अब हो गया एक्सरे ऑन, ठीक है। डब्ल्यू इसको ऑन किया, इसको यहाँ पे ला के रखा, दिस वे दिस गोज डाउन, इस तरह से इसको भी यहाँ पे ला के रखा, ठीक। अभी मैं सिर्फ एजिस की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और सेंटर वाली वर्टेक्स जो है वो हम वहीं की वहीं रख रहे हैं ताकि उसका प्रोपोर्शन जो है वो ज़रा सेट रहे। तो फिलहाल बेसिक एडिट सेटिंग करके उसके बाद जाके हम लोग कोशिश करेंगे कि यार उसकी जो एक्चुअल एडिटिंग वगैरह है उस पर ज़रा ध्यान दीजिए कि यार क्या होना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट आपने इसको सेलेक्ट किया, फिर इसमें यह कि आप एरो की से नेविगेट भी कर सकते हो कि आप किस वर्टेक्स पर आके काम करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दो वर्टेक्स सेलेक्ट की, आप एरो किया लेफ्ट या राइट, तो राइट किया तो नीचे, लेफ्ट किया तो अब जा रहा है, उसी सीक्वेंस में नीचे आ गया, फिर उसी सीक्वेंस में नीचे आ गया, फिर उसी सीक्वेंस में नीचे आ गया। तो मैं एक साइड से ऐसे करता हुआ जाऊंगा, अरे सॉरी, अब देख एक और गड़बड़ में ये की कि उसूलन फ्रंट लेग सामने वाली है और हमने आधे आगे की आधे पीछे की है, या अल्लाह फिर पूरा मसला हो गया। अच्छा भाई चलो ठीक, इसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स, मेरे हिसाब से वो ये जा रही है, ठीक है। वो जो डार्क थोड़ी सी लाइन यूं और इधर, फिर ये भी इधर, ये भी इधर, फिर नीचे दो एरोस, फिर ये दो एरोस इधर, फिर ये जो लाइन थी इसको भी उठा के इधर ले आए, इसको भी पॉइंट पे इधर ले गए, एंड देन दिस टू पॉइंट्स, ठीक। तो मेरे हिसाब से ये पूरी जो लेग थी इसको इधर ले गए, इस पूरे वर्टेक्स को पहले एक साथ सेलेक्ट किया, डब्ल्यू से थोड़ा इधर ले गया, रोटेट किया,
थोड़ा एंगल दे दिए ताकि रोटेशन में थोड़ा यूं हो जाए, अब फिर वापस आओ एंड देन जस्ट ट्राई टू एडजस्ट W इसको इधर, फिर एरो की से आप अप डाउन कर सकते हो लेफ्ट राइट एरो की से ताकि ज़रा सा, और फिर इन दोनों को सेलेक्ट किया, इसको मैंने बाहर निकाला, सॉरी इसको इधर यहाँ पे ले अच्छा इसमें सिर्फ ख्याल ये रखना है कि बहुत ज़्यादा जो है दो एजेस जो आ रही है ना लाइन वो एक दूसरे को क्रॉस ना करें, ठीक है। जब भी हम इस तरह से मॉडलिंग में ट्रेसिंग करते हैं इस टाइम वर्टेक्स हो रहे हैं कोई मसला नहीं क्योंकि वो वर्टेक्स की ओरिजिनल लोकेशन वैसे ही नहीं है, पर जो लाइन आ रही है ना इसको आपने ओवर क्रॉस नहीं करना, अगर ओवर क्रॉस किया तो फिर यहाँ पे बल्जिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो वो फिर वो समटाइम्स हम करते हैं जब जैसे कपड़े की ऐसे क्रीज बनानी है मुझे तो यहाँ पे फिर मैं बल्जिंग करके दिखाऊंगा, पर स्किन अगर आपको स्मूथ करके बनानी है तो फिर उसमें ये बल्जिंग जो है मुनासिब नहीं बैठेगी। सिर्फ उसमें फिर हम ये चीज़ ख्याल करते हैं कि यार अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो सेंटर वाली या अगली जब किसी उसको भी उठा के थोड़ा सा हम एडजस्ट करें कि यार कैसे जा रहा है, ठीक। जैसे यहाँ से उठा के इधर किया और फिर इसी तरीके से इसको इधर ही रखा, इसको उठा के हम इधर ले आए, दिस वुड बी हेयर एंड दिस वुड कम समवेयर अराउंड हेयर, इसको उठा के इधर रखा, ये चीज़ इधर आ गई, इसको इधर, ठीक है। और नीचे के जो हूफ्स थे वो फिर हमने कहा कि हम अलग से बाद में बनाएंगे। ये होपफुली आपकी जो लेग का बेसिक प्रोपोर्शन है वो तैयार हो गया, ठीक। ये यहाँ से अटैच होना था और ठीक है ऑलमोस्ट। फिर आ जाते हैं राइट व्यू के अंदर जो कि बेहतर है पर्सपेक्टिव से ही मैं करूँ, एक्सरे को किया ऑफ, साइड से टांग तो तैयार हो गई, इस तरफ से थोड़ी सी ख़राब हो गई, इसको ऊपर से उठाओ, स्केल में गया और थोड़ा सा स्केल कर दिया, ठीक है। और यहाँ से भी वर्टेक्स, इसको भी थोड़ा सा स्केल, अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वर्टेक्स आई कैन गो इनटू होल एज वेल। होल ये है कि जब एक को सेलेक्ट करोगे तो समझो पूरी एक एज लूप है उसकी गिरता ऑटोमेटिकली, उस एज लूप को आप स्केल करके एडजस्ट कर सकते हो कि कहाँ पे आपका मोटा होना चाहिए, कहाँ पे आपका जो होल है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला इसको थोड़ा सा मैंने पतला कर दिया, इसको थोड़ा सा मोटा कर दिया, ठीक है। और ये भी थोड़ा सा फिर ऐसे पतला, और ये कुछ ज़्यादा पतला हो गया यहाँ से, ठीक है। सो इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, ये आपकी काम जो थी वो बन गई। तो समटाइम्स नर्व से बनाने का एडवांटेज ये मिलता है कि डायरेक्टली आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपकी जो लेग है वो कैसे जा रही है। होल में गए, इस होल को पकड़ा, ये भी थोड़ा सा मैंने ऑब्जेक्ट मोड, सो दोनों लेग्स हमारे पास बेसिक्स आ गए, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस इस बॉडी के ऊपर एंड लेट्स सी हाउ वी कैन अटैच इट। तो सबसे पहला काम तो मैं ये करूँगा कि चले गए हम मेरे भाई एजेस के अंदर सिंगल एज, उससे उस पर डबल क्लिक कर दो फॉर एग्जांपल तो पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट क्लिक ऑन दिस लूप तो पूरा लूप सेलेक्ट हो गया, शिफ्ट क्लिक ऑन दिस एज, शिफ्ट क्लिक ऑन दिस एज, शिफ्ट डबल क्लिक सब पे हमने किया, सबको पहले एक दफ़ा स्केल करा दिया, ठीक। स्केल करके ऊपर की तरफ बड़ा किया सिर्फ वाई एक्सिस में, या अगर आप चाहो तो फिर अगर पूरा जेड एक्सिस में इसको थोड़ा सा कर दो सेंटर से ताकि दोनों तरफ, तो हुआ क्या जो पहले यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट थी अब थोड़ा सा स्केल करने से ये यहाँ पे हल्की सी गोलाई राउंडनेस आ गई, देखा ठीक। उसके बाद फिर सेंटर वाली पे डबल क्लिक किया, शिफ्ट डबल क्लिक इस पर, शिफ्ट डबल क्लिक इस पर, ये ऑलरेडी मैं इसके हिसाब से राउंड कर चुका था, फिर इसको उठा के मैंने थोड़ा सा स्केल किया, अब ये देखो राउंड बनना बॉडी शुरू हो गई। फिर इस पर डबल क्लिक किया जो बिल्कुल सेंटर वाली और उसको थोड़ा सा स्केल किया, तो नाउ यू सी दिस कि यहाँ से भी राउंड बॉडी बन गई और आपकी साइडों से भी बॉडी थोड़ा सा फजीलत से ऑटोमेटिकली आना शुरू हो गई। यही चीज़ मैं इधर से भी करूँगा, डबल क्लिक एंड आई बिलीव साइड से, क्योंकि साइड से भी बिल्कुल यू फ्लैट जा रही है। इसको उठा के अगेन, अब इसमें आई गेस सिर्फ जेड एक्सिस के लिए फिलहाल काफ़ी है, तो जेड में मैंने किया तो जो पहले बिल्कुल फ्लैट आ रही थी सरफेस थोड़ा सा स्केल किया ताकि यहाँ से गोलाई बन जाए, और फिर जो आखिरी की दो थी उनको छोड़ के सिर्फ सेंटर की डबल क्लिक शिफ्ट डबल क्लिक ताकि ये वाली आ गई, और इनको थोड़ा सा स्केल कर दिया, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं, तो हल्का सा इनको स्केल किया हमने एंड देन आई गेस शिफ्ट डबल क्लिक
इसको भी हल्का सा बाहर निकाल दिया, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका जो पहले स्क्वायर था वो राउंड बन गया, समझिएगा ना, ऑब्जेक्ट जो पहले राउंड ऑब्जेक्ट था वो स्क्वायर हो गया। अब मैं वापस आ जाऊंगा फ्रंट के अंदर, एक्सरे ऑन किया तो एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि क्योंकि हमने स्केलिंग की थी उस हिसाब से ऑब्जेक्ट मेरा ओवरऑल शेप से बहुत बड़ा हो गया, तो अब पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, स्केल दबाया और स्केल से लाके उसका साइज छोटी कर दी, तो देखो वो ऑटोमेटिकली फिट हो गया और वो राउंड का राउंड भी हो गया हमारे पास, शेप हटा दिया, यहाँ से भी राउंड, साइड से भी राउंड, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक। अब आ जाते हैं दूसरे इशू के ऊपर कि इसको राइट क्लिक किया, फेसेस में गए, हजरत के साइड आधा फेस पूरा सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, काम का नहीं है, ये फेसेस सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ईशान भट्टी, आई एम द क्रिएटर ऑफ ईशान एकेडमी, एन ऑनलाइन मल्टीमीडिया लर्निंग एंड एजुकेशनल साइट दैट हैज़ वीडियो लेक्चर्स ऑन एंड नोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। सो टू कीप अपडेट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Oh, that's nice.